तिरंगे से लिपटे ताबूतों में बंद वो जनाजे नहीं होते, बल्कि वो होती है आरजुए मुल्क की, वो धड़कने हैं हिंदुस्तान की, वो बाजुए हैं बहादुरी की। सच में ताबूत में रखी है हिमालय की हिम्मत, रखा है हिंदुस्तान का गुमान। उठो मेरे मुल्क के बहादुरों, उठो, खोलो अपनी आंखें कि तुम शहीद नहीं हुए हो। देखो तुम धड़क रहे हो मुल्क की धड़कनों में। उठो कि बुलाती है तुम्हें हवा, पुकारती है तुम्हें सरहद। एक डरी शाम बैठी है तुम्हारे इंतजार में, रोती है शाख पर बैठी अकेली बुलबुल कि अब कौन करेगा उसकी हिफाजत। गिरते आसमान के आंसू कहते हैं कि गलत है जमी वालों तुम्हारे शहर की यह खबर, अफवाह है कि नहीं रहे मुल्क के जाबाज। किसने फैलाई ये झूठी खबर? देखो वो जिंदा है मेरे आसमान पर, वो कर रहे हैं वहां भी हिफाजत हमारी जमी की। इन माओं की आंखों में झांकने की कोशिश मत कीजिएगा, यहां टूट गया है आंसुओं का बांध। देखो कहीं बह ना जाए ये आंख, वहीं इस मां के टूटते सब्र के बीच कुछ हिम्मत अभी बाकी है, जिसने हाल ही में अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर उसे मुल्क की हिफाजत की खातिर भेजा था, इस उम्मीद में कि मौत मुल्क की आवाम के साथ अपनी मनमानी ना कर सके। मां तेरी गोद सूनी हो गई, तेरा आंगन सूना पड़ गया, मां हर खुशियां तुझसे लूट गई, तेरी खामोशियां तुझसे करती होगी सवाल, फिलहाल तेरा हर जवाब सवाल पर ही आकर खत्म होता होगा, लेकिन जब इतिहास पूछेगी कि सरजमी की हिफाजत के लिए तुमने क्या दिया, तो उस वक्त मां तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसू ही हर सवाल के जवाब को काफी है। मां सलाम है तेरी हिम्मतों को, सलाम है तेरी कोख कि जिसे लहू से सींच कर जवान उंगली को थाम कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों में बंदूक उठाकर सरजमी की हिफाजत की इजाजत दे दी। वाकई मां तुझे सलाम है। नमस्कार, मैं हूं नीरू और आज हम भी फक्र महसूस कर रहे हैं कि हम उन्हीं मां के साथ हैं जिनकी वजह से हमारा मादरे वतन महफूज है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वो माए जिनके लालों ने इस देश पर अपनी जान न्योछावर कर दी। सबसे पहली बात शहीद विक्रम बत्रा की, जिनकी मां कमलकांता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही उनके पिता इस वक्त हमारे साथ जीएल बत्रा जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ता थापर, जो शहीद विजन थापर की माता जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वीएन थापर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हम मेजर मोहित शर्मा की माता जी का स्वागत करना चाहेंगे। सुशला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अंत में अगर हम बात करें कैप्टन देवेंद्र सिंह की, तो उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है दलबीर जस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र सिंह जस साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनकी झलक। पालमपुर में पैदा हुए और करगिल में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स के जांबाज थे। मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन की गोली को अपने सीने पर लेने वाले कैप्टन विक्रम देश के आखिरी परमवीर चक्र विजेता है। महज 25 साल की उम्र में वो दुश्मनों से लोहा लेते शहीद हो गए। अब बात करते हैं उनकी मां से और जानते हैं कैसे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब हमने करगिल की लड़ाई देखी थी और एक के बाद एक वो फतह करते जा रहे थे जो पोस्ट थे, और हर बार उनका उनकी एक तस्वीर, उनका एक कुछ, उनकी बातें निकल कर सामने आती थी और हर बार वही कहते थे ये दिल मांगे पोल, कैसे थे विक्रम बत्रा? विक्रम बत्रा बहुत ही साहसी, बहुत ही होनहार और बहुत ही वीर
शुरू से ही थे और उन्होंने जब कारगिल के युद्ध में अपनी झलकियाँ दिखाई तो इतने उम्र कम के होने के बावजूद सारे ही हैरान थे कि ये लड़का जो है ये क्या कर रहा है। तो उसने सबसे पहले 5140 चुट्टी जो थी वो हासिल की और जब उसने वहाँ जीत हासिल की तो सभी बहुत खुश हुए। तो उनके सीओ ने पूछा कि विक्रम आप तुम क्या चाहते हो, तो उसने यही जवाब दिया कि ये दिल मांगे मोर। उसका कहने का ये तात्पर्य था कि वो और चोटियां जो हैं वो हासिल करना चाहता है। सर अगर आपसे अगर विक्रम की बात की जाए, उनके मन में उड़ान ऊंची रहती थी, आसमान तक वाली कह सकते हैं, तो वैसा था। तो उसके बाद में जब वो वापस आए हैं तो उनको 4875 के लिए उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। बड़ा क्रूशियल ऑपरेशन था वो। उनके जो फौजी थे उनको भी इतना कॉन्फिडेंस था उनमें कि विक्रम बत्रा के साथ अगर हम हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। दुश्मन भी उनसे डरते थे, उनका नाम पाकिस्तान में भी लिया जाता था। एक चीज यहां पर ये बताना चाहूंगा कि महावीर चक्र की घोषणा इनके लिए पहले ही हो चुकी थी रिकमेंडेशन, जब इन्होंने 5140 को कैप्चर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तैयार हुए। नहीं तो कई बार ये होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है सेकंड हायरार्की में तो मैं अब ना जाऊं। उस वक्त जब युद्ध के दौरान किस तरह की बातचीत होती थी उनसे कुछ उसके बारे में? 19 जून को पहला फोन आया, सभी का हाल चाल पूछा, डैडी कैसे हैं, दीदियां कैसे हैं, आप कैसे हो। मैंने कहा हम सब ठीक हैं, आप तो इतने बड़े युद्ध में काम कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, आप कैसे हो। कहते माँ बहुत मजा है, बहुत मजा है। जबकि लोग कांपते हैं युद्ध के नाम से, घबराते हैं, लेकिन कहते मैं बहुत मजे लगता है कि वहाँ कितनी विषम परिस्थितियां हैं, किस तरह से, लेकिन उनको डर नहीं लगता। नहीं, उनको कोई डर नहीं लगता था। और पीछे से उन गोलियों की आवाज आ रही थी तो मैंने कहा ये कैसे आवाजें आ रही हैं, मम्मी यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पटाखे फूट रहे हैं। अच्छा, जब एक के बाद एक वो जीतते चले गए जो पोस्ट थे और बार बार बातचीत भी होती रहती होगी, अगर नहीं भी आती होगी तो खबर मिलती होगी, उस वक्त कितना गर्व का क्षण होता था? बहुत गर्व होता था ये महसूस करके कि इतना छोटा विक्रम जो कि अभी कल ही स्कूलिंग और कॉलेज का उन्होंने पढ़ाई खत्म की है तो अब युद्ध में चला गया है और अपने कारनामे बता रहा है, तो बहुत गर्व महसूस करती थी मैं। और ये भी अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। बत्रा सर, जिस तरह से शेर शाह नाम दिया गया था बहुत बड़ी बात होती है, और ये भी कहा गया आर्मी चीफ के, उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, कि अगर शायद अभी ये जिंदा होता तो एक दिन मेरे पोस्ट पे ये होता। जब आर्मी चीफ मलिक साहब आए थे हमारे घर पर तो उन्होंने ये बात कही थी कि बत्रा साहब अगर विक्रम वापस आ जाता तो रिटायरमेंट होते होते वो मेरी पोस्ट पर पहुंच सकता था। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ विक्रम ने किया और विक्रम आज जिस स्थान पर है वो कहीं जनरल्स से भी ऊपर का स्थान है। ये जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है ये आने वाली सदियों में भी रहेगा और लोग इसे जानेंगे। और इतना ऊंचा स्थान हासिल करना अपनी इस ह्यूमन इनकार्नेशन में ये तो एक बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, यू सी, सो दिस इज प्राउड फॉर अस। और बहुत हैंडसम थे वो। हाँ, बहुत हैंडसम थे। और जब उन्होंने दिल मांगे मोर कहा था तो वहां से जो तमाम लड़कियां थी उनके भी, उन्होंने भी देखा था, पूरे हिंदुस्तान भर के नौजवानों ने भी देखा, एक आइकन की तरह से वो निकल कर सामने। गोरे चिट्टे, 6 फुट हाइट उनकी, और बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव थे, सभी ही इम्प्रेस होते थे उन्हें देख कर। चलिए, और जब वो घड़ी आई जब पता चला कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे, कैसे पता चला, कहाँ सबसे पहले किस तरह से खबर आई थी आप तक? मैं एक्चुअली एक शिक्षिका रही हूँ स्कूल में, तो मैं जब स्कूल से आई तो मेरे पड़ोस में जो रहते थे उन्होंने बताया कि दो
सीईओ के रैंक से ऑफिसर जो हैं आर्मी से आए थे और कह रहे थे कि हमने विक्रम के पेरेंट्स से मिलना है। मैं जब पहुंची तो वो जो आर्मी ऑफिसर्स थे दोनों कर्नल रैंक के, वो आए और उन्होंने कहा कि बत्रा साहब कहाँ है। मैंने कहा बत्रा साहब तो अभी अपनी ड्यूटी से नहीं आए, तो अभी आने वाले हैं, क्या आप उन्हें जल्दी बुला सकते हैं। मैंने कहा क्या बात है, कितनी उनसे बात करनी है। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे दो आर्मी ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो आप जल्दी आ जाइएगा। और जब ये घर आए तो उन दोनों आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी कैप उतारी और कहा कि विक्रम बत्रा इज नो मोर। तो वो एक बात जो थी वो हम दोनों के लिए बहुत ही असहनीय थी। एक जवान बेटे की मौत सुन करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हमारे पर बीती होगी। अंदर से तो मैं, आखिर माँ का दिल था, अंदर से मैं टूट चुकी थी, पर बस यही है कि एक हौसला रख करके इस चीज को बर्दाश्त किया। मैं फेंट हो गया था और गिरने लगा था, तो तभी एक हमारे मेरे एक फ्रेंड थे, वहीं साथ में ही रहते थे, वो वहीं पर थे, मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे संभाला और मैंने जोर से उनको पकड़ा, जोर से पकड़ करके उनकी छाती से मैं लिपट गया। एंड ही ट्राइड टू कंसोल मी। और मुझे याद है कि दो चार दिन तो मैं पूरा होश नहीं संभल पाया था, मतलब अपने आप में ही रहा और धीरे धीरे इस चीज़ को रिकवर किया। बहुत बड़ी बात है। और भगवान एक कहते हैं शहीद के माँ बाप को एक हौसला दे देते हैं, वही हौसला आप दोनों में था और बाकी शहीदों में भी इसी तरह से उनके माँ बाप में भी है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि जब आप बाहर रहते हैं, एक ठीक है देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर में भी आपकी माँ है, आपकी पूरी फैमिली है, किस तरह से उस वक्त को आप लोग दोनों चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं या कैसे सब करते हैं? बहुत मिस करते हैं परिवार को, लेकिन देश सर्वोपरि है। बिल्कुल, सबसे पहले ड्यूटी है। हम भी सर्विस करके आए हैं 30-30 साल लगभग, हमें भी मलाल है इस बात का कि काश हमें भी वो मौत मिलती, मरना तो सभी को है, काश हमें भी वो मौत मिलती। इसलिए हम और आप आज बैठकर उन्हें याद कर रहे हैं, वो अमर हो गए हैं। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि शहीद जो हुए वतन पर और जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया, आज हम महफूज हैं उनकी वजह से और बार बार हम उनको याद करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मरे नहीं है, अमर हुए हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जो शहीद हैं उनकी माएं हैं और वो तमाम मुल्क के लोग हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मां तुझे सलाम में। अब बात करते हैं हम शहीद कैप्टन विजयन थापर की, जिनके नाम में ही कहा जा सकता है कि वीरता थी। आइए सबसे पहले देखते हैं इनके जीवन की एक झलक। 26 दिसंबर 1976 को जन्मे विजयंत थापर सैनिकों के परिवार से आते थे, सच पूछिए तो वो बॉर्न सोल्जर थे। 22 साल के इस नौजवान ने बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन पर हमला बोल दिया। हमें वहां जीत मिली, लेकिन उस विजयी अभियान में हमने वीर विजयंत को खो दिया। इस वक्त हमारे साथ विजयंत की माँ है तृप्ता थापर और उनके पिता वीएन थापर, तो बात हम तृप्ता थापर से ही करते हैं। तृप्ता जी, विजयंत जो कहते हैं बॉर्न सोल्जर था, और कभी लगा कि वो कहीं और नहीं सिर्फ सेना में ही जाने वाले हैं? विजयंत के बारे में बताने से पहले मैं आज गणतंत्र दिवस पर अपने पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और जब आप कह रहे हैं विजयंत थापर के बारे में, तो विजयंत का तो ऐसा था कि जैसे
वो फोर्थ जनरेशन था आर्मी में, तो उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सब जो है एक के बाद एक, और उसके अंकल्स भी कोई एयरफोर्स में कोई नेवी में ऐसे थे सब. सो इट वॉज अंडरस्टूड और हमको भी ये था कि हाँ फौज में ही जाएगा. मैं सोचती हूँ कि ऐसा कभी आपको अंदर से लगता ही नहीं है कि आफ्टर ऑल एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अपना बच्चा ही खो दोगे. ये चीज़ तो आपके माइंड में कभी रहती नहीं है. एंड एज अ चाइल्ड विचन जो था वो बहुत ही एक बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा काइंड और सच्चा देशभक्त, ट्रू पेट्रियॉट. मैं तो कहती हूँ कि जैसे बिल्कुल भगत सिंह का था, एक तरह से वो भगत सिंह का ही फॉलोअर था. इन नटशेल आई कैन से ही वाज ए कंप्लीट मैन. ये समझ लीजिए कि विजयंत जो था वो शायद भगवान ने इसी काम के लिए भेजा था हमारे परिवार में कि वो देश की रक्षा करे और ऐसा उदाहरण छोड़ जाए जो ये पीछे बैठे हुए हैं यंगस्टर्स उसको ग्रहण कर सके और उसी जज्बे के साथ काम करें. 12 और 13 की जून की जो रात थी वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक रात थी, क्योंकि उस वक्त तक हमारे को कोई सक्सेस लड़ाई में नहीं मिला था और सब पूरे देश का मनोबल गिर रहा था. तब उस वक्त बैटल ऑफ टोलोलिंग यानी कि टोलोलिंग की लड़ाई स्टार्ट हुई और उसमें एक विजन ने भी हिस्सा लिया और एक पाकिस्तानी पोस्ट थी जिसका नाम था बर्बाद बंकर, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और टू राजलिफ ने टोरोलिंग पे भारत की पहली फतेह की. सुबह उनकी जो तस्वीर निकली थी वो और मेजर आचार्य वो बैठे हुए हैं बंकर के ऊपर बिल्कुल, और रात के अपने जूते वगैरह खोले हुए थोड़ा एयर कर रहे हैं अपने पाओ को और पाकिस्तानी हथियार और जो पकड़े थे वो सारे आगे रखे हुए हैं और उनका एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है जो पूरा देश जानता है, संदेश आते हैं बिल्कुल. वो मेरे ख्याल से वो दिन में 4-5 बार तो काफी बार ये फिल्में भी उन्होंने देखी. हाँ, ये फिल्म बहुत 16-17 बार ये फिल्म देखी और इस तरह से हुआ. और उसके बाद में जो था दूसरा जो अटैक था वो अटैक बहुत ही मुश्किल पहाड़ पे था और वहां पर अंतिम जो अंतिम क्षण थे जो उनके जीवन के, उस समय वो एक बड़ी संगीन पहाड़ी के ऊपर थे, बड़ी बारीक थी, उसके ऊपर 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे और उसके आगे पाकिस्तान के 3 बंकर थे. तो ये और एक और हवलदार था, ये सबसे आगे चले गए और जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तानियों को एंगेज किया. गोलियां भी चल रही थी और गालियां भी चल रही थी खूब. काफी देर तक, 1.5 घंटे तक ये दोनों लगे रहे और जिस पत्थर के पीछे इन्होंने आड़ ली थी उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने उसके ऊपर गोलियां और वो लगी हुई हैं. और उसके बाद में थोड़ा सा फायरिंग बंद हुई और कैप्टन साहब ने सोचा कि यही मौका है इनके ऊपर, नजदीकी था 15 मीटर तो दूर थे, तो यही मौका है कि एकदम इनके ऊपर धावा करके उस बंकर को ध्वस्त कैप्चर किया जाए. लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ पहला कदम लिया तो उनके पाकिस्तानियों ने फायरिंग कर दी और बस्ट उनके लग गया और वो अपने साथी की बाहों में गिर के भारतवर्ष के लिए अमर हो गए. आपने उसका पत्र के बारे में जिक्र किया, मैं सिर्फ उसमें से 2 सेंटेंसेस रिपीट करना चाहता हूं. तो उन्होंने लिखा है कि डियर पापा मामा बड़ी उनका भाई छोटा और ग्रैंड मदर, जब तक मेरा ये पत्र आपको मिलेगा, बाय द टाइम यू गेट माय लेटर आई विल बी इन हेवंस एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अप्सरास. तो ये गम मत करना कि मैं आपको छोड़ के चला गया हूं, मैं फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एब्सोल्युटली. दूसरा जो उन्होंने लिखा महत्वपूर्ण दूसरा पैराग्राफ था, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मुझे कोई गम नहीं है अपनी जिंदगी खोने का, मुझे कोई गम नहीं है, बल्कि अगर भगवान की इच्छा हुई और मुझे दोबारा उसने इंसान बनाया
तो भी मैं आई विल ज्वाइन द इंडियन आर्मी एंड फाइट फॉर माई नेशन। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी लड़की है जी बिल्कुल, और वो लड़की का नाम है रुखसाना, आप मेहरबानी करके उसको 50 रुपए महीने के जरूर देना उसकी पढ़ाई के लिए, और मेरे जो भी अंक हैं वो सब दान में दे रहा हूं मैं। और अंत में उन्होंने लिखा लिव लाइफ किंग साइज, मतलब बादशाह की तरह ये जिंदगी काटिए। आज कुछ नहीं तो कम से कम 12 विजयंत तो हैं जिनके बच्चे पैदा हुए, लड़के पैदा हुए, उन्होंने उनका नाम विजयंत रखा है, यही सबसे बड़ा उनके लिए स्मारक। तृप्ता जी, जिस तरह से बात हो रही थी कि रुखसाना का जिक्र अक्सर आता है क्योंकि उन्होंने लास्ट में सारी चीजें अपने इमोशंस को डाला उस लेटर में, लेकिन रुखसाना का नाम भी लिया। कहते हैं कि जो सैनिक होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं बहुत कठोर होते हैं, जज्बातों से परे होते हैं, लेकिन वो चीजें उनके जज्बातों को बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं अगर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है उनके मन में। एक्चुअली जब वो कुपवाड़ा में थे तो उन्होंने मेरे को एक दिन फोन किया कि मामा आप थोड़े से कपड़े भेज सकते हो, तो मैंने कहा कैसे कपड़े, कहते नहीं नहीं गर्ल का कपड़े, तो मैंने कहा गर्ल, अरे ये गर्ल कहां से आ गई, तो देन ही से नहीं नहीं शी इज ओनली 3 एंड हाफ इयर्स ओल्ड, तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। तो उस टाइम हमको कुछ ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ क्योंकि फोन मिलता नहीं था, फोन कभी होता नहीं था, तो मैंने कहा कहते जब मैं छुट्टी आऊंगा ना तो फिर आप मेरे को दे देना वो कपड़े, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो खैर छुट्टी आना तो हुआ नहीं, 5.5 महीने की तो सिर्फ सर्विस थी उसकी, ही वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। तो उसने फिर जब लेटर, लास्ट लेटर हमने उसका पढ़ा तो उसमें फिर रुखसाना का था, लिखा था कि यू जस्ट उसको 50 रुपये हर महीने देते रहना। तो रुखसाना तो हमारी अब एक डॉटर की तरह है, उसको 50 रुपये तो क्या, वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर, वी आर लुकिंग आफ्टर हर। और एक चीज मैं बताना मांगती हूँ, जो आज इस देश में इतनी राजनीति होती है हिंदू मुसलमानों की, आई हेट दैट, हमारे बेटे ने एक मुसलमान लड़की को अडॉप्ट किया एंड वी आर वेरी हैप्पी। तोलोलिंग की जब फर्स्ट वो हुआ, जीत हुई, उसके बाद 4 दिन के बाद जब उसका फोन आया कि मामा आपने, आपको पता लगा कि हम तोलोलिंग जीत लिया, तो मैंने कहा हाँ हमने पढ़ भी लिया और हमें पता भी लग गया और तुम्हारा नाम भी आ गया उसके अंदर। तो कहता अच्छा अब ना मैं अब नेक्स्ट फोन ना आपको 15-20 दिन के बाद ही करूँगा। तो मैंने कहा क्यों, कहते नहीं नहीं एक्चुअली ऐसे है कि हमें एक और टास्क मिल गया है, तो आप फोन पे तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो टास्क का मतलब नेक्स्ट अटैक के लिए जाना है। तो फिर 15 दिन के बाद उसका फोन तो नहीं आया लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आ गया। आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आ गया कि कैप्टन विजय थापर जो है कारगिल में शहीद हो गए। तो ये है उस टाइम, मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे लगता है। हम अपनी तरफ से मैं चाहती हूं कि कभी मैं पब्लिकली अपना ग्रीफ एक्सप्रेस नहीं करूं बिकॉज आई फील आई एम ए प्राउड मदर, लेकिन कभी ना कभी अंदर से वो चीज आ जाती है बाहर, आफ्टर ऑल आई एम ए मदर। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि इन जितने भी मार्टियर्स हैं देश के और आज भी जो बच्चे मर रहे हैं, वो कोई पैसे के लिए किसी चीज के लिए नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ लड़ते हैं अपने देश की इज्जत के लिए, अपने देश की इज्जत के लिए लड़ते हैं। हम सब आपके साथ हैं और एक माँ का दर्द हम समझते हैं। क्यों उन्होंने एक बात कही थी कि या तो मैं झंडा फहराऊंगा या झंडे में लिपट कर आऊंगा। जिस दिन विजयंत को अंतिम निवास पर ले जाया गया उस दिन 2 लाख लोग उसके साथ खड़े थे, 2 लाख लोग वहां पर अंतिम निवास नोएडा में खड़े थे, बड़े से बड़ा लोग, छोटे से छोटा, जो चल भी नहीं सकते थे, मैंने देखा जो अपनी इस पे चलते हैं, क्लचिस पे चलते हैं, वो लोग भी उधर थे। सो देन आई फील के देखो ये है जिन्होंने काम किया सिर्फ 22 साल की उम्र में,
कई लोग कहते हैं कि अरे सिर्फ 22 साल का था विजयन, तो आपको कैसे लगता है? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जिंदगी जो है वो लंबाई से नहीं नापी जाती कि आप कितने साल जिए, जिंदगी नापी जाती है कि आपने क्या हासिल किया जिंदगी में। तो जैसे कहा जा सकता है कि जिंदगी लंबी नहीं, ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ी सी जिंदगी में बादशाहों की तरह आप जब जाए तो लोग आपको याद करें। और विजयंत भी कुछ इसी तरह के थे, उन्होंने अपनी छाप हर दिल पर छोड़ी है, आज हम उनको याद कर रहे हैं। बात हो रही है वतन पर मर मिटने वालों की, और अब बात करते हैं हम शहीद मेजर मोहित शर्मा की। किस तरह से थे मोहित शर्मा, आइए देखते हैं उनकी एक झलक। मेजर मोहित शर्मा को अपने सुकून से ज्यादा अपने देश और देश के करोड़ों देशवासियों का चैन और सुकून प्यारा था। मेजर मोहित को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में आतंकियों की खेप घुसपैठ करने की फिराक में। जांबाज मेजर मोहित ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस गोलीबारी में भारत माँ के इस सपूत को वीरगति प्राप्त हुई। तो मोहित शर्मा की बात हो रही है, शहीद मोहित शर्मा की, और इस वक्त उनके माता पिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशीला शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके पिता राजेंद्र शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशीला जी, सबसे पहले तो मोहित के बारे में बताइए। मोहित तो मोहित ही था, उसमें बचपन से ही एक मतलब चुलबुलापन था, शरारतें थी उसकी, और छोटेपन से ही पढ़ने में तो खैर बहुत होशियार था पढ़ने में वो, लेकिन बड़े भाई को हमेशा वो मात देता था कि उसको कुछ मतलब नहीं करने देता था, अपना पैर हमेशा ऊंचा रखता था कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका जुनून था, उसको जो करना है वो करना है। मान लीजिए उसको अभी कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए उसको उतनी देर में। तो सेना में आने की मोहित ने कैसे सुनी? कुछ नहीं, वो छोटा सा था, देखता था अपना, वो सोचता था कि भाई मतलब क्या है, हम दो भाई हैं, पेरेंट्स हैं, उसको ये लगता था कि मैं बहुत दूर जाके कहीं काम करूंगा। लेकिन सेना, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में कोई नहीं था तो सेना के बारे में मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सेना में जाएगा। लेकिन अब उसने एनडीए का भर तो दिया, इधर हमने उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया था, तो उसके बाद में जो है वहाँ वो चले गए इंजीनियरिंग में, पीछे से उसके एग्जाम का वहाँ एसएसबी के आ गया, रिजल्ट आ गया उसका आ गया, तो हमने उसे बताया नहीं कि भाई तुम एसएसबी के वो कर क्लियर कर गए रिटर्न, तो रिटर्न के बाद में जो है एसएसबी के लिए उसकी जो चिट्ठी आई तो वो भी हमने उसको नहीं बताई कि अब छोड़ो इंजीनियरिंग करके ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, वो समझा नहीं, उसने नहीं माना, तो उसने वहीं कहीं से पता किया कि भाई पता चला कि वो रिटर्न क्लियर कर गया है, उसने वहीं से जो है भर दिया अपना, वहाँ उसका एसएसबी के लिए भोपाल का उसका आ गया। भोपाल आकर के उसने एसएसबी दे दिया, और एसएसबी में वो क्लियर होकर के फादर को फोन करता है कि पापा मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया हूँ, और मैं अब एसएसबी क्लियर करके मेरा मेडिकल रिजेक्शन है और मैं दिल्ली आ रहा हूँ। एनडीए में जब हो गया उसके बाद उसने मुझे एक दफे भी अपने फादर से कह दिया कि आप जब भी पुणे आएंगे आप खुद अकेले आएंगे, मम्मी को नहीं लाएंगे। अब उसकी एनडीए की हालत तो ये बताएंगे कि क्या ट्रेनिंग होती है। मम्मी इमोशनल थी राजेंद्र जी, जिस तरह से मोहित की बात कर रहे हैं। जब मैं गया तो मुझे उसने पहले कह दिया आप पापा मेरे को देख कर परेशान मत होना, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना। जब मैंने देखा उसकी पूरी जांघें छिली हुई थी, रस्सी में चढ़ते थे, जो भी करते बहुत बुरी हालत थी, तो मुझे लगा मैंने कहाँ भेज दिया मेरे बेटे को। कहता पापा कोई बात नहीं, परेशान हो, जब मैं परेशान हूँ तो आप क्यों परेशान होते हैं। तो बड़ा उसने हीरोइकली पूरे टाइम को पूरा किया, और यही ट्रेडिशन उसने आईएमएम जारी रखा, वहाँ भी बॉक्सिंग चैंपियन था। जब सिलेक्शन करने की बात आई, ऑप्शन दो देते हैं फाइनल टर्न में आगे भाई आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो हमने बहुत उसको इंसिस्ट किया कि तुम ईएमई ले लो, सिग्नल्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, तो बाद में वहीं बीटेक कर लोगे, एमटेक कर लोगे, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये बोला पापा मैं फौज में आया हूँ फौजी की तरह, और फौज में सिर्फ एक ही फौज होती है इन्फेंट्री, बाकी सब उसकी एसेसरीज होती है, तो मैं इन्फेंट्री ही लूंगा, और इन्फेंट्री में मुझे कमांडो बनना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैंने प्रीफर कर दिया कि मैं वन पैरा एसएफ ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल सर, जब बात ये आ रही थी कि जम्मू कश्मीर जाना है, कुपवाड़ा बहुत सेंसिटिव जगह, तो लगा कि कुछ बोला आपने बेटे को इसके लिए कि आपकी पोस्टिंग? वन पैरा में जाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि मुझे कश्मीर में ही लड़ना है और पाकिस्तानी से ही लड़ना है, ऑपरेशंस करने हैं, ये उसने आईएमएम डिसाइड कर लिया था। पहले 38 आया, आरआर में था वो, पैरा में जाने से पहले 2 साल तब भी कश्मीर में रहा, वन पैरा क्वालिफाई करने के बाद फिर कश्मीर में गया वो, तो कश्मीर में गया तो उसने वहाँ पर ऑपरेशंस किए, उसको वहाँ पर सेना मेडल मिला 2004 में। उसके बाद फिर मैं उसको कि वो जब कमांडो कोर्स करने गया था बेलगांव, तो
तो बेस्ट कैडेट वहाँ डिक्लेयर हुआ था, वहाँ भी उसको इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला था, तो उसको एज इंस्ट्रक्टर कमांडो इंस्ट्रक्टर उसको बेलगाम भेजा गया। 2 साल का टर्म उसने वहाँ पूरा किया, 2 साल में शायद उसने 2100 जवानों को ऑफिसर कमांडो बनाया होगा अपने ट्रेनिंग पीरियड में। लौट के वापस आया तो फिर उसने ऑफर दिया साहब मुझे वापस ऑपरेशन कश्मीर भेज दो, 2008 फिर कश्मीर चला गया। तो 10 साल की लाइफ में 7 साल उसने कश्मीर में ही गुजारे हैं। सुशीला जी, अगर बात की जाए मोहित की, और हमेशा कश्मीर से इस तरह की खबरें गाहे बगाहे आती थी जब मोहित वहां पर होगा कि आज इतने आतंकवादी मारे गए, आज हमारे सोल्जर्स मारे गए, उस समय क्या चलता था एक माँ के मन में? नहीं, कभी माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा चला जाएगा, माँ यही सोचती है कि वो कुछ कर रहा है। जब उसको सेना मेडल मिलने से पहले उसके पैर में गोली लगी थी तो वो भी मुझे नहीं पता था, लास्ट मोमेंट पे जब वो आया है तो तब उसकी भाभी ने बताया, मम्मी आप ये तो अब तो जाने के लिए ही आया है यहाँ से, ये तो पहले भी गोली खा चुका है पैर में। तो वो अपनी कोई भी फीलिंग्स किसी तरह की भी मुझे नहीं बताता, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती थी उसकी कोई दुख की बात। जिस तरह से मोहित शहीद हुए, उन्होंने अपनी छाती पर गोलियां झेली वहां पे और कईयों को मार गिराया, वो जब खबर आपके पास आई क्या दिन था वो, और किस तरह से आपके पास वो खबर पहुंची ये दुखद खबर? रात को कोई 1 बजे के करीब हमारे पास टेलीफोन आता है कि भाई ये मेजर मोहित शर्मा के से एड्रेस दे दीजिए, ये लोग आपका घर ढूंढ रहे हैं। तो 2 लोग थे, एक तो कर्नल रैंक के थे और एक मेजर सेठी थे। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ढूंढ रहे हैं घर, ये बोले कि ऐसे ही कुछ काम। मैंने कहा रात में क्या काम हो सकता है किसी आदमी को, और वो भी फौज से और चिंटू की यूनिट से आया हो, इनका कोई खास बात तो नहीं? बोले नहीं नहीं ऐसे तुम तो बहुत घबरा जाती हो। तो मैंने वहां फिर नहान दोबारा फोन किया उसको, भास्कर को मैंने पूछा कि भास्कर क्या? बोले नहीं नहीं आंटी ऐसे ही लोग आए हैं आपसे कुछ मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले अब घर पे कौन कौन है? मैंने कहा क्यों घर पे, तो मैं और मेरे हस्बैंड है। तो बोले कि भैया कहाँ है? मैंने कहा भैया तो मेरठ गए हुए हैं। तो उन्होंने शायद इन द मीन टाइम मेरठ भी उनको फोन कर दिया, तो रात को मेरठ से भी 1 बजे चल दी है। तो नेचुरली है कि भाई रात के 1 बजे खबर आए कि भैया आपका 2 आदमी आए कहने के लिए कि ये नहीं रहा, और घर में कोई अड़ोस पड़ोस भी सोया होता है, किसी को नहीं पता चलता कि क्या हुआ है। तो वो तो एक सीन आखिरी होता ही है कि क्या कर सकता है कोई, मतलब तो इतनी खराब हो जाती है। रात को ही डॉक्टर अरेंज करने पड़े, इनको पेन हुआ हार्ट में, ये परेशान हो गए, थोड़ा सा लगता है लेकिन बाद में थोड़ी देर के लिए तो आदमी का दिमाग में हो जाता है कि ये क्या हो गया, लेकिन कंसोल तो करना पड़ता है अपने आप को। तो हम तो अपने आप को बहुत धन्यवाद समझते हैं अपने फेवर में, ईश्वर ने हमको उसके माँ बाप होने का मौका दिया। और उसका एनडीए में जब था तो उसके मामले, जब मैं उसके रूम में गया था तभी उसने देखा था, उसके उसमें एक उसने बैनर लगाया हुआ था कागज पर लिख के, इट इज बेटर टू डाई फॉर समथिंग रेदर लिविंग फॉर नथिंग। हमारे साथ कुछ बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इन शहीदों के लिए जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ का एक मोटो बनाया? आज मैं कह सकता हूँ मैंने भारत माता को देखा है। देश के जितने भी शहीदों की माता है वो वही असल में भारत माता है। तो बिल्कुल, तो एक देश पूछ रहा है और इन माओं को आज याद किया जा रहा है। सिर्फ ये माँ ही नहीं, बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटे अब भी सरहद पर मौजूद हैं और उन सबको हम याद कर रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि इन माओं का जो कलेजा है वो बहुत मजबूत है, कि जिन्होंने अपने लालू खोया लेकिन उसके बावजूद इन बड़े गर्व से कहती हैं कि मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। माँ तुझे सलाम कार्यक्रम में तो बात अब हम करेंगे शहीद कैप्टन देवेंद्र सिंह की, जिन्होंने अपनी बहादुरी से सबका सीना चौड़ा कर दिया। आइए देखते हैं उनकी एक झलक। 26 साल के देवेंद्र सिंह जस ने सब कुछ छोड़ते हुए अपने जुनून को चुना। पैराशूट रेजिमेंट का ये जांबाज कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात था। कैप्टन को खबर मिली कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में कैप्टन खुद को रोक नहीं सके, लेकिन आतंकी साजिश को निस्तेनाबूद करने में कैप्टन जस को भी शहादत मिली। तो हमने देखा देवेंद्र की बहादुरी की एक झलक। आज हमारे साथ उनके माता पिता भी मौजूद हैं। उनकी मां दलबीर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं,
और उनके पिता हमारे साथ फादर भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। आप ही से जानना चाहेंगे दलबीर जी, कैसे थे अगर देवेंद्र की बात की जाए, और जिस तरह से बहादुरी से वो लड़े, या शुरू से ऐसे ही थे बहुत बहादुर? सच में देवेंद्र सिंह बिल्कुल ऐसा ही था। वो एक संत और एक सिपाही था, क्योंकि उसके जो विचार थे वो एक संतों वाले थे, और जो उसका जज्बा था वो एक सिपाही वाला था। मतलब जो ठाना उन्होंने वो किया, बिना बोले बिना हमें एक पिन जैसे होते हैं ना, पिन की नोक, उतने भी हस्बैंड भी सामने बैठे, हमें बिल्कुल भी कभी भी कष्ट वाली ना शब्द ना बात, कभी नहीं। आज बैठ के भी सोचते तो भी हमें याद नहीं आता। जब बीटेक के बाद उसकी जॉब लगी तो उसने ये बोला, पापा मैं जॉब नहीं करना चाहता। 15 डेज वो गया। पूछा क्यों? पापा एक एसी कैब में बैठ के जाओ और एक एसी कंप्यूटर के आगे सारी जिंदगी खत्म कर दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जॉब छोड़ी, वो पापा ने ही पूछा, बेटा अब जॉब छोड़ दिया तो अब क्या करोगे? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो कहते खाली तो नहीं बैठोगे। फिर MBA किया IIIT इलाहाबाद से, और वहाँ से फिर उसने इसमें ऑप्ट किया और उसका हुआ, और वहाँ से फिर IIM में ट्रेनिंग हुई। बहुत खुश, हैप्पी, और जो मन की चाहत थी वो बिल्कुल पूरी हुई। और पापा को बोला कि पापा मेरी तैयारी करो और मैं IIM में देहरादून में मेरा हो गया, मुझे वहाँ जाना है। तो पापा ने कहा एक बार फिर सोच लो। तो उसका यही था कि पापा पैसा सब कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा आप जब जाना चाहते हैं तो भाई हमारी ब्लेसिंग्स हैं, हम पूरी सपोर्ट है फैमिली की। हालांकि वो हमारा एक अकेला ही लड़का था, तो हमने कहा कि ठीक है आप जाना चाहते हैं आप जाइए, जो आप करना चाहते हैं जरूर करिए, हम आपके रास्ते के अंदर में कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे। फिर जनवरी पहली से 2009 से ही वेंट टू श्रीनगर। तो वो कुपवाड़ा में रहा, और वो उस समय मेजर मोहित के अंडर में उसने काम किया। मेजर मोहित उस समय उसके बॉस थे, जिन्होंने उसको वो ट्रेनिंग दी इंसर्जेंसी की पूरी। तो ये जो लास्ट हमारा बात हुई है वो 21 फरवरी 2010 की बात हुई है, और ये 22 फरवरी को शाम को ये CO साहब ने उसको बुलाया है और बोला है, बताया गया कि एक घर के अंदर में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और आपको जाना है और उनको फ्लैश आउट करना है। तो इमीडिएटली वो टास्क अपने हाथ में लिया, जो भी उनके साथ में साथी गए, यूनिट को लीड किया। रात भर वो वहाँ घर को घेरा डाल दिया था, तीनों तरफ से इन्होंने घेर लिया था, क्रॉस फायरिंग होती रही। फिर ये मॉर्निंग आवर्स में ही वॉज अलोन, और जो दूसरी साइड से इनके साथी थे इनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। और तब एक आतंकवादी वहां से भागता हुआ नजर आया, जो फॉरन ट्रेंड आतंकवादी था, फॉरनर ही था। तो उसकी गुत्थम गुत्था के अंदर में इसने उसको मार दिया, हमारे लड़के ने। और उसके बाद थोड़े से रिलैक्स हुए कि अभी तो कुछ शांति, फिर दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई। तो एक जो गोली थी वो छाती में लगी। आधे घंटा पौने घंटे के बाद जब इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तब तक ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, तो बचाया नहीं जा सका। हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को बार बार ये याद आता है, देह शिवा भर मोहे है, शुभ कर्मन्ते कब हूं न डरूं अरसियों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो जीत हमेशा। उसका जो IIM का ट्रंक था अभी हमने खोला है इतने टाइम के बाद, और जो उसका सोपोर का है अभी तक खोल नहीं पाए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं बनती है कि उसका कैसे सामान खोला जाए, कैसे देखा जाए। उसमें उसने लिख के रखा हुआ था, निश्चय कर अपनी जीत करो। इतना कूल बच्चा था, कोई भी बिलीव नहीं करता कि वो आर्मी में गया और वो कमांडो बना। और जिस दिन वो कमांडो, 10 अप्रैल को फोन आता है मेरे को, तो मम्मा बताओ मैं क्या बन गया। मम्मा तीन बार उसने बार बार बोला, मम्मा बताओ मैं क्या बन गया। मैंने कहा क्या बन गया बेटा, आर्मी में है तू? कहता नहीं, आप बताओ मैं क्या बन गया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा, तू बता क्या बन गया। कहता मैं मम्मा कमांडो बन गया। और जो उसकी वो आवाज़ में खुशी थी, मैम मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और वो आवाज़ आज भी मेरे यहाँ पर है कि एटलीस्ट वो इस दुनिया से गया है तो खुशी से गया है। हम दोनों अकेले थे, 7 बजे का टाइम था, और फोन कॉल आती है, आप कौन बोल रहे हैं? जस के फादर बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, जस इज नो मोर। एक ये वर्ड बोल दिया जाता है
और हम माओ पे, हम परिवारों पे क्या बीतती है, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। हमें रोना नहीं चाहिए, मुझे, मैं आज भी रोती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। मुझे यही कहता था कि क्यों, एक लाइफ चेंज हो गई, एक पन्ना परत गया, उसके ये वर्ड्स होते थे। जब दादी गई तो उसने ये बोला, मम्मा क्यों रोते हो, एक लाइफ चेंज हो गई, बस इतना ही हुआ। मेरा तो यही कहना है कि इन बच्चों के लिए एटलीस्ट, देखो ऐसे बुलाते हैं हम, ठीक है, पर इन बच्चों के नाम पर रोड भी हमें कह के मांगनी पड़ती है कि रोड का नाम रख दीजिए या पार्क का नाम रख दीजिए। ये बार बार डिमांड करनी पड़ती है, जो कंपनसेशन होती है वो भी हमें मांगनी पड़ती। जब शहीद के पेपर आते हैं, एवरीबडी नोज कि ये शहीद के पेपर है, वो शहीद हुआ है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, जो भी कंपनसेशन होती है। ये मेरी इनसे एक डिमांड है, एटलीस्ट स्कूल्स के नाम, पूरे स्कूल का नाम ना बदलें, विंग का नाम रख दिया जाए, प्ले ग्राउंड का नाम रख दिया जाए, एटलीस्ट हम रहे ना रहें वहाँ आने वाले बच्चे ये तो सोचेंगे ये शहीद फलां शहीद प्ले ग्राउंड है, ये फलां शहीद प्ले ग्राउंड है, इतना तो ये कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे बात थी कि सबके आंखों में आंसू थे, लेकिन एक गर्व का भाव था, एक सैनिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? जब हर सैनिक, हर भारतीय सैनिक के विषय में कह रहा हूं कि जब आपके शेर आपके पैर छू के जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको ये रहता है कि हमारी माँ का आशीर्वाद है, और इसी आशीर्वाद को लेते ही हम अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहते हैं। कोई डर नहीं, हमें पता है कि माँ को फिक्र होगी, माँ का तो हृदय इतना कोमल है कि कितना समझाएं, लेकिन जब माँ ने हमारे एक काम को समर्पित किया है कि तुम्हें भारत माँ की रक्षा करना है, भारत माँ के लिए तुमने जन्म लिया है, तो हम यही लेके चलते हैं कि हम रहे न रहे तेरा माथा चमकता रहे। वो जी कर गए और जब मर कर गए तो उस वक्त भी सबको ऐसी चीजें देकर गए कि आज भी हम उसे गर्व के साथ याद करते हैं। आप तमाम माओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उन पिताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसे लाल को बड़ा किया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। शायद इसलिए भी आज भारत माँ का हर सपूत शहीदों की शहादत को सलाम करता है और कहता है, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो तुम जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। उन वीर सपूतों के साथ उस कोख को सलाम जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए ऐसे सपूत दिए। चलिए एक बार उन सपूतों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के जरिए उन्हें फिर से करते हैं सलाम। जन गण मन अधिनायक जय हिंद, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।